हेलो फ्रेंड्स, इंडिया में बॉलीवुड की कई सारी मूवीज रोज रिलीज होती हैं, लेकिन उनमें से ही कई सारी ऐसी मूवीज होती हैं जो ज्यादा फेमस नहीं हो पाती है। इसलिए हम आज टॉप 20 नेटफ्लिक्स ओरिजिनल बॉलीवुड अंडररेटेड मूवी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको इन सभी मूवीज के बारे में बताऊंगा जिन्हें आप नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और कुछ मूवीज को हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर रखा है, तो अगर आप चाहें तो वहां से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलिए ज्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 20 पे है काली कुही। ये मूवी आई थी 2020 में और इसकी IMDb रेटिंग है 3.4। ये एक हॉरर मिस्ट्री मूवी है जिसकी कहानी शुरू होती है एक लड़की के साथ जो अपने माता पिता के साथ अपनी दादी से मिलने गांव जाती है, लेकिन वहां जाके उसके साथ कुछ अजीब हो जाता है। अब वो क्या होता है ये तो आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये मूवी बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट पे है, तो इसे एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। नंबर 19 पे है घोस्ट स्टोरीज। ये एक हॉरर थ्रिलर मूवी है जिसकी IMDb रेटिंग है 4.3। इसका प्लॉट काफी कुछ नेटफ्लिक्स की लव स्टोरी जैसा है, क्योंकि इस मूवी में भी चार डायरेक्टरों ने चार अलग अलग कहानियों को डायरेक्ट किया है और वो चारों कहानियां मिलकर ये एक मूवी बनी है। और जैसा इसका नाम देख के आप समझ चुके होंगे कि ये एक हॉरर मूवी है और हॉरर मूवी सस्पेंस से भरी होती है, तो अगर आप भूतों वाली मूवीज के फैन हैं तो ये मूवी को जरूर देखिएगा। नंबर 18 पे है मिसेस सीरियल किलर। ये एक क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसकी IMDb रेटिंग है 4.9। इस मूवी में जैकलिन फर्नांडिस के हस्बैंड को पुलिस एक सीरियल किलिंग के जुर्म में पकड़ लेती है और अब अपने हस्बैंड को बचाने के लिए जैकलिन को एक सीरियल किलर बनना पड़ता है। अब क्या वो अपने हस्बैंड को बचा पाती है कि नहीं, ये तो आपको मूवी देखने के बाद ही पता चले। ये मूवी 2020 में रिलीज हुई है और इस मूवी में आपको जैकलिन के साथ साथ मनोज बाजपेयी और मोहित रैना भी दिखेंगे। नंबर 17 पे है गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल। ये एक बायोग्राफी मूवी है जिसकी IMDb रेटिंग है 5.2। ये कहानी गुंजन सक्सेना की है जो पहली इंडियन एयरफोर्स फीमेल पायलट बनी थी, और मेरी राय ये है कि आप इस मूवी को जानवी कपूर के लिए नहीं बल्कि गुंजन सक्सेना और पंकज त्रिपाठी के लिए देखिए। और ये मूवी 2020 में रिलीज हुई है। नंबर 16 पे है डॉली किटी और वो चमकते सितारे। इस मूवी की IMDb रेटिंग 5.4 है। ये कहानी दो कजिन सिस्टर्स की है जो अपने अपने लाइफ में अलग अलग प्रॉब्लम फेस कर रही है। डॉली जो है वो अपनी मैरिड लाइफ से बोर हो चुकी है और किटी जो एक छोटे से शहर से आई है वो एक बड़े शहर में सर्वाइव करने की कोशिश कर रही है। अब इन दोनों के साथ क्या होता है ये तो आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। और ये मूवी जो 2019 में रिलीज हुई थी काफी इंटरेस्टिंग है, तो आप इसे जरूर देखिएगा। नंबर 15 पे है हाउस अरेस्ट। ये एक कॉमेडी मूवी है और इसकी IMDb रेटिंग 5.5 है। इस फिल्म की सबसे बड़ी बात है कि हमारे फेवरेट गुड्डू भैया और स्वीटी भाभी आपको इस फिल्म में दिखेंगे। अली फैजल इस मूवी में बाहरी दुनिया से उदास होकर 6 महीने के लिए अपने ही घर में बंद होकर रहते हैं। फिर उनके साथ कुछ ऐसा होता है जो उनकी क्वारंटाइन वाली जिंदगी को बिल्कुल ही बदल देता है। अब क्या होता है कैसे होता है ये तो आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। और ये मूवी जो 2019 में रिलीज हुई थी एक अलग कॉन्सेप्ट पे है, तो आप इसे जरूर देखिएगा। नंबर 14 पे है कार्गो। ये एक साईफाई फैंटेसी मूवी है जिसकी IMDb रेटिंग है 5.7। ये कहानी काफी यूनिक कॉन्सेप्ट पे है जिसमें विक्रांत मैसी जो इस मूवी का लीड रोल है इंसानों के मरने के बाद उनको वापस से धरती पर लाने का काम करता है। और जैसे पिछले मूवी में आपको गुड्डू भैया और स्वीटी भाभी दिखी थी, इस मूवी में हमारे बबलू भैया और गोलू गुप्ता दिखेंगी। और ये मूवी 2020 में रिलीज हुई है, तो आप इसे जरूर देखिएगा। नंबर 13 पे है चोक। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 5.8। ये कहानी एक लड़की की है जो एक बैंक में कैशियर है, लेकिन उसकी इकोनॉमिक कंडीशन काफी अच्छी नहीं है। लेकिन एक दिन उसे अपने किचन के सिंक में बहुत सारा पैसा मिलता है। अब वो पैसा कहाँ से आता है ये तो आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। और ये मूवी जो 2020 में आई है आपको एक मैसेज देने की कोशिश करेगी जो आपको फिल्म देखने पे पता चलेगा। नंबर 12 पे है राजमा चावल। ये एक फैमिली कॉमेडी मूवी है जिसकी IMDb रेटिंग 5.8 है। इस फिल्म में बाप बेटों के जेनरेशन के गैप को दिखाया गया है कि कैसे बच्चे अपने पेरेंट्स से आजकल इतना बात नहीं करते हैं और सारा दिन टेक्नोलॉजी में घुसे रहते हैं और यहाँ तक कि खाने के टेबल पे भी मोबाइल लेके बैठे रहते हैं। और इसी फैमिली इशू को इस मूवी में अच्छी तरह से दिखाया गया है। और ये मूवी 2018 में आई थी, जिसे आप अपनी फैमिली के साथ जरूर देखिएगा।
नंबर 11 पे है मस्का। ये एक रोमांटिक कॉमेडी मूवी है जिसकी IMDb रेटिंग 5.9 है। इस फिल्म के लीड रोल रूमी एक फिल्म स्टार बनना चाहते हैं, लेकिन उनकी माँ उसे अपने फैमिली बिजनेस में डालना चाहती है। अब वो क्या फिल्म स्टार बन पाता है ये तो आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। और ये फिल्म जो 2020 में आई है इसमें आपको जावेद जफरी, मनीषा कोइराला और शर्ली शेट्टिया दिखेंगी। नंबर 10 पे है क्लास ऑफ 83। ये एक क्राइम ड्रामा मूवी है जिसकी IMDb रेटिंग 5.9 है। ये कहानी 1982 पर बेस्ड है जब विजय सिंह जो एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर है जिसे सजा के तौर पर पुलिस ट्रेनिंग का इंचार्ज बना दिया जाता है और वहाँ पे वो अपनी एक खुद की टीम बनाता है जिससे वो क्राइम का सफाया कर सके। और ये मूवी 2020 में रिलीज हुई थी जिसमें आपको लीड रोल में बॉबी देओल दिखेंगे। नंबर 9 पे है चॉपस्टिक। ये एक कॉमेडी मूवी है जिसकी IMDb रेटिंग है 6.5। ये कहानी एक लड़की की है जिसकी नई कार चोरी हो जाती है और फिर वो अपनी कार को ढूंढने की कोशिश करती है लेकिन सारी कोशिशें नाकामयाब रहती हैं। इसलिए वो एक कॉन मैन को अपनी कार को ढूंढने का काम सौंपती है। अब क्या वो उसकी कार को ढूंढ पाता है कि नहीं ये तो आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। और ये मूवी 2019 में आई थी जिसमें आपको अभय देओल, मिथिला पालकर और विजय राज दिखेंगे। नंबर 8 पे है अपस्टार्ट्स। इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.6 है। ये कहानी तीन दोस्तों की है जो अपना एक खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन वो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि वो क्या चीज का बिजनेस स्टार्ट करें। और अगर आप भी एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो इस मूवी को जरूर देखिएगा जो 2019 में रिलीज हुई है, क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर के जिंदगी से जुड़ी हुई कई सारी बातें इस मूवी में बताई गई हैं जो आपको जरूर पसंद आएगी। नंबर 7 पे है बुलबुल। ये एक हॉरर मिस्ट्री मूवी है जिसकी IMDb रेटिंग 6.6 है। ये कहानी 18 सेंचुरी की है जब एक लड़की जिसका नाम बुलबुल है उसकी बचपन में ही एक आदमी से शादी कर दी जाती है जो आदमी उससे काफी बड़ा है, लेकिन आगे चल के इस मूवी में एक चुड़ैल की एंट्री होती है जो बुलबुल के हस्बैंड को मार डालती है। अब उस चुड़ैल ने ऐसा क्यों किया ये जानने के लिए तो आपको मूवी देखनी पड़ेगी जिसे आप नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं। और ये मूवी 2020 में रिलीज हुई है जिसे काफी अच्छा रेस्पॉन्स मिला है। नंबर 6 पे है लॉन्ग लिव ब्रिजमोहन। ये एक क्राइम ड्रामा मूवी है जिसकी IMDb रेटिंग 6.6 है। ये कहानी ऐसे एक इंसान की है जो कर्ज में डूबा हुआ होता है, इसलिए वो अपने खुद की मृत्यु का ढोंग रचता है। लेकिन कहानी में मजा तब आता है जब पुलिस उसे खुद को मारने के जुर्म में ढूंढना शुरू कर देती है। अब आगे की कहानी तो आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगी। और ये मूवी 2017 में रिलीज हुई थी जो काफी फनी है, तो इस मूवी को एक ट्राई जरूर दीजिएगा। नंबर 5 पे है सीरियस मैन। ये एक कॉमेडी ड्रामा मूवी है जिसकी IMDb रेटिंग 6.9 है। ये कहानी एक मिडिल क्लास इंसान की है जो अपनी जिंदगी को बदलना चाहता है, लेकिन उसे ये मौका तब मिलता है जब लोग उसके बेटे को एक जीनियस समझने लगते हैं। अब वो बेटा क्या सचमुच में एक जीनियस है या ये किसी तरह का फ्रॉड है ये जानने के लिए तो आपको मूवी देखनी पड़ेगी। और ये मूवी 2020 में रिलीज हुई है जिसमें आपको नवाजुद्दीन सिद्दीकी लीड रोल में दिखेंगे। नंबर 4 पे है सोनी। ये एक क्राइम ड्रामा मूवी है जिसकी IMDb रेटिंग 7.1 है। ये मूवी सोसाइटी के एक बहुत ही गंदे सच को दिखाती है कि कैसे अभी भी कुछ जगहों पर महिलाओं के साथ जागती की जाती है और कैसे उन्हें डेली लाइफ में कई सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। ये मूवी आई थी 2018 में जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग एजेंडा पे बनी है, तो इस मूवी को आपको जरूर देखना चाहिए। नंबर 3 पे है लव पर स्क्वायर फुट। ये एक रोमांटिक कॉमेडी मूवी है जिसकी IMDb रेटिंग 7.2 है। जिनको घर खरीदना है मगर बैंक उन्हें लोन नहीं देती, इसलिए वो दोनों आपस में मिलकर डिसाइड करते हैं कि एक झूठी शादी रच के जॉइंट लोन के लिए अप्लाई करेंगे, लेकिन आगे चल के क्या क्या होता है ये तो आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। और ये मूवी आई थी 2018 में जिसमें लीड रोल में आपको विक्की कौशल दिखेंगे। 2 पे है रात अकेली है। ये एक क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसकी IMDb रेटिंग 7.3 है। ये कहानी शुरू होती है जब एक आदमी की उसके शादी वाले दिन ही हत्या हो जाती है। अब उस हत्या को किसने किया है इसी के ऊपर ये पूरी मूवी बेस्ड है। और अगर आपने हॉलीवुड की मूवी नाइफ्स आउट देखी होगी तो ये मूवी भी उससे काफी मिलती जुलती है। और ये मूवी 2020 में रिलीज हुई है जिसमें आपको नवाजुद्दीन सिद्दीकी, श्वेता त्रिपाठी और राधिका आप्टे लीड रोल में दिखेंगे।
नंबर वन पे है ये बैले। इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग 7.6 है। ये कहानी दो मिडिल क्लास लड़कों की है जो एक डांसर बनना चाहते हैं, और उनका ये सपना तब सच होता है जब उनको एक बैले डांसिंग टीचर डांस सिखाता है। अब आगे की कहानी तो आपको मूवी देखने के बाद पता चलेगी। और ये मूवी 2020 में आई है जो ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है। तो दोस्तों ये थी हमारी टॉप 20 अंडररेटेड नेटफ्लिक्स ओरिजिनल मूवीज। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर हमने किसी मूवी को मिस कर दिया है तो वो भी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अब चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।